अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं दादी रेसिपीज़। आज की वीडियो में हम आपको कढ़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी बताएंगे। कढ़ी पकाने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो कुछ यूँ हैं। एक बड़ी प्याज, एक टमाटर, चार सब्ज़ और रेड मिर्चें, और ये मसाला जाते हैं, दो चम्मच नमक, एक चम्मच लहसुन, एक चम्मच कुटी हुई मिर्च और सब्ज़ खुशक धनिया, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च, दो चम्मच हल्दी। और ये हमने आधा किलो दही लिया है, इसमें एक कप बेसन का मिक्स किया है। दही को पहले लस्सी बना के उसकी फिर उसके अंदर एक कप बेसन शामिल किया है। और पकोड़े बनाने के लिए हमने आधा किलो आलू लिए, उनको बारीक कट कर लिया है, उसके साथ पालक, और ये मसाला जात नमक, कुटी हुई मिर्च, हल्दी और अजवाइन आपने लाजमी डालनी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब कढ़ी पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। दो चम्मच हमने बड़े ऑयल के लिए, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्चें भी, और जो मसाले हैं वो भी। लहसुन और मसाले जो मैंने बताए, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें बेसन और लस्सी वाला जो मिक्सर वो शामिल कर रहे हैं। अब हमने इसमें और पानी डाल के इसको तकरीबन दो घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। अब हम इसको दो घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं और पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला हमने तैयार कर लिया है, अब हम पकौड़े फ्राई करते हैं। दरमियाने साइज के पकौड़े बनाने हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने। पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम कढ़ी के अंदर डालते हैं। कढ़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है। इतनी थी क्या ये?
अब हम तड़का बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और ये साबुत लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है और सुर्ख मिर्च डाली है और पकौड़ों वाला गरम ऑयल जो था यही ऑयल हमने इसमें डाल देना तड़का बनाने के लिए। ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब ये इसकी फाइनल लुक देख लें, आप भी ये ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी। अब नेक्स्ट टाइम मैं किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।